हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं होली का एक मेकअप लुक। तो सबको पता है होली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि एक मैं ब्लॉग बनाऊं गेट रेडी विद मी फॉर होली। तो होली, जैसा कि आप सबको पता है, कलर्स का फेस्टिवल होता है, तो मैंने इस लुक में बहुत सारे कलर्स यूज़ करने की कोशिश करी है, थोड़े से ब्राइट कलर्स यूज़ करने की कोशिश करी है। और ये जो मेकअप लुक आप मेरा देख रहे हैं, ये जो आई मेकअप है वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके। और इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत बार ट्राई करा है कि कैसे मैं उसको ब्लेंड कर सकूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हाँ, बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली मैं सीख चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय द ब्लॉग। सबसे पहला स्टेप होता है अपने फेस को क्लीन करना। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया है। टोनर को अप्लाई करने के बाद थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे कि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। टोनर में मैंने प्लम का जो नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर वाला जो अभी उन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली, वो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। जब ये टोनर स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र में भी प्लम का नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर फार्मूला वाला मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स दिखने लगे हैं अभी, एंड डार्क पैचेस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो चुके हैं। इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आप कितना यूज़ कर रहे हैं, ये इससे पहले आप पता लगा लेना कि आपकी फेस की जो स्किन की जो नेचर है वो कैसी है, वो ऑयली है, रफ़ है, सॉरी ड्राई है या कंबाइन है। तो अगर ज़्यादा ऑयली है तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ मत करना। तो जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम प्राइमर लगाएंगे। वैसे मैं जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो उसमें 3-in-1 फीचर है, वो मॉइस्चराइज़ भी करता है स्किन को, लेकिन स्टिल मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है। तो ये मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से स्किन में, सॉरी प्राइमर भी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये जो ऑडियो थी इस क्लिप की वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाला है, तो लिप सिंक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना। तो अभी हम पहले आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए मैं मार्स का ब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल ब्रश। हम ब्रोज को अच्छे से फिल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं कर लेना है, नहीं तो वो अलग ही दिखेगा, और पैची भी नहीं लगना चाहिए। तो ये ब्रोज भी फिल हो चुके हैं, अभी बारी आती है आई शेडो। आई शेडो लगाने से पहले हम इसके ऊपर बेस को सेट कर लेंगे। तो ये विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश हम आईज़ के ऊपर बेस को सेट करेंगे। अगर आप ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो फिंगर की हीट होती है उससे ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लेंड करने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। तो ये अभी आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ये थोड़ा सेट होगा तो इसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो ये एक तरफ का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी हम दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही लगा लेंगे। इसके बाद थोड़ा सेट होने दिया, ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो चुका है इसका कलर। तो अभी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक न्यूड शेड का आई शेडो
आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर एंड जो आईबॉल वाला एरिया होता है उस पर अप्लाई किया है। क्रीज में भी मैंने इसको अप्लाई किया है अच्छे से, और अच्छे से हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। तो जब मैंने लगाया इसको, फ़र्क देख पा रहे होंगे आप, तो इसको हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और दोनों आईज पे हम साथ साथ मेकअप करते जाएंगे। तो ये हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जो आउटर कॉर्नर में है, आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा डार्क शेड आप ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा अच्छा वो दिखेगा। मेन पार्ट यही रहता है कि हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, नहीं तो वो थोड़ा सा पैचे दिखेगा और आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक साइड डन हो चुकी है, दूसरी साइड में कर लेती हूँ अभी। तो सेम वे में हम दोनों तरफ इसको अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़े से कलर्स यूज़ करने की कोशिश करी है, तो ये भी लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था आई शेडो का। तो इसके लिए मैंने पिंक एंड येलो दो शेड को यूज़ करके एक अच्छा सा लुक देने की कोशिश करी है, ट्राई करी है। तो अभी सबसे पहले आउटर कॉर्नर में पिंक आई शेडो को लगा लिया है, इसके बाद मैंने कंसीलर की हेल्प से क्रीज को बना लिया है, और इसे लगाने के बाद हमें इसको सेट होने देना है और फिर हम जो इनर कॉर्नर है उसमें थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे, और जो आईबॉल वाला एरिया होता है उसमें जो गोल्डन आई शेडो होता है उसको हम विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और फिंगर अप्लाई करेंगे, और फिर अच्छे से हम उसको ब्लेंड कर देंगे। तो जब मैं इस आई मेकअप को ट्राई कर रही थी, तो मुझे पहली बार अपना किया हुआ जो आई मेकअप है वो अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई करी है कि हाँ थोड़ा सेट हो जाए मेरा हाथ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बट हाँ, अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अच्छे से ब्लेंड करना है, बस यही ध्यान रखना है। और ब्लेंड का मतलब ये नहीं है कि हम इस सब को मिला लेंगे, क्योंकि जब मैं पहले आई मेकअप करती थी तो उसमें ब्लेंडिंग की जगह मैं पूरा का पूरा मिक्सअप कर देती थी। तो आप ये गलती मत करिएगा। जो भी कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आई शेडो यूज़ कर रहे हैं हम, वो अलग अलग दिखना चाहिए। अलग अलग मतलब विजिबल होना चाहिए कि क्या कलर्स यूज़ कर रहे हैं, और पैची भी नहीं दिखना चाहिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ दिखना चाहिए। तो अभी मिडल में भी, सॉरी आईबॉल के ऊपर भी मैंने जो गोल्डन आई शेडो था उसको लगा के अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है डन। ये अगर आप कट क्रीज वाला मेकअप चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस करी है, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट डन। अभी बारी आती है आईलाइनर लगाने की। अगर आपको पसंद है तो आप आईलैशेस भी लगा सकती हैं। मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ आईलैशेस लगाने से एकदम अच्छा सा लुक आ जाता है, बहुत अच्छी दिखती हैं आईज।
लेकिन तभी अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं तो वो फिर आई मेकअप तो सही हो जाता है लेकिन मूड ख़राब कर देती है। अगर आपको लेंसेज लगाना पसंद है तो लेंसेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने जेल आईलाइनर लगाया है, तो जब भी आई शेडो के ऊपर आप आईलाइनर लगाते हैं तो या तो लिक्विड या फिर जेल आईलाइनर यूज़ कीजिएगा। स्केच वाला मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। एंड फाइनली मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लोअर आई लैशेज पे भी मेकअप करना पसंद है तो आप उस पर कर लीजिएगा, अदरवाइज इट्स फाइन। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं, तो उसके लिए मैंने ये करेक्टर यूज़ किया है। करेक्टर भी जो इनसाइड का 3-in-1 आता है, कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टोर, वो मैंने लिया था। अगेन पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जितने भी डार्क स्पॉट्स मेरे फेस पे हो रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी, तो आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन उनको मैं अभी सबको कवर कर दूँगी। तो इनको अच्छे से हम लगा लेंगे एंड देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर टैप टैप मोशन में हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस ब्लेंडर में मॉइस्चर हो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सूखे हुए से इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनसाइड के इस 3-in-1 पैक के मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं और ऊपर से पॉकेट फ्रेंडली है तो और भी अच्छा लगा है मुझे। तो वैसे टैप करते हुए हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ऑलमोस्ट छुप चुके हैं, इसके बाद अप्लाई करेंगे कंसीलर। तो इनको छुपाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है, ऐसे कुछ छुपाने की ज़रूरत होती नहीं है, बट हाँ मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं डैप मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ नीचे बैठी हुई थी, नीचे बैठ के आराम से मेकअप कर सकते हैं। और ये मेरी आई शेडो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो फाइनली हम लगा लेंगे ये फाउंडेशन। अगेन इसको भी हमें ऐसे घसीट के नहीं लगाना है, डैप करके ही हम इसको लगाएंगे। तो फाइनली जो फेस पैलेट यूज़ करने का टाइम आ गया है, बट हाँ उससे पहले कॉन्टोरिंग करना भूल गई थी मैं, तो वो भी कर लेंगे। ये कॉन्टोर भी मैं इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम दैट 3-in-1 पैक। तो जब आप यहाँ पे करते हैं तो अगर आप ये ऐसे डॉट डॉट करके लगाएंगे तो इनको ब्लेंड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और ये पैची नहीं दिखेगा। और यहाँ पर हम ऐसे कंटिन्यूस एक लाइन में लगा सकते हैं, जॉ लाइन भी। अगर आपको भी डबल चिन की दिक्कत है ना, तो ये जो कॉन्टोरिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है उसको छुपाने के लिए, मुझे भी है, लेकिन वो कभी कभी विजिबल होती है। जब मैं फेस नीचे कर लेती हूँ तब वो विजिबल होती है। तो अभी हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रहे हम इसको जो ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर हमेशा रहे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेकअप में तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मेंटेन रखना है उसका मॉइस्चर हमें।
ब्रश के रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस साइड ज़्यादा लाइट पड़ रही थी तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन जब दूसरी साइड मैं ब्लेंड करूँगी इसको तो अच्छे से रिजल्ट्स जो हैं वो विजिबल होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे भी इसको ब्लेंड कर लूँगी। पूरा हो चुका है ये कंटूरिंग। तो ये देखिए इधर काफ़ी अच्छे से ये विजिबल है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी फाइनली फेवरेट पार्ट, ब्लश ब्लश ब्लश। ये भी मैं मार्स का यूज़ कर रही हूँ, इसके भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और अगेन पॉकेट फ्रेंडली होती हैं ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम ब्लश अप्लाई करेंगे। एक जो लैक्मे का जो छोटा सा कॉम्पैक्ट सा अभी ब्लश अभी आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। तो ब्लश तो मैंने लगा दिया था लेकिन नोज़ की कॉन्टोरिंग करना मैं भूल गई थी। ज़रूरत नहीं है लेकिन मेकअप का पार्ट होता है तो करेंगे हम। ऐसे बिना कंटूरिंग के ही मुझे मेरी नाक अच्छी लगती है। इसके बाद हाइलाइटर भी अप्लाई करना है। तो हाइलाइटर भी हम अप्लाई करेंगे, ये भी मार्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। हाइलाइटर लगाते ही ना एकदम मेकअप का लुक पूरा चेंज हो जाता है। तो ये चीक बोन एंड ब्रो बोन और थोड़ा सा इधर उधर भी हम अप्लाई कर लेंगे। पे भी लगाते हैं, मैंने किसी को मेकअप ट्यूटोरियल में देखा था लगाते हुए तो मैंने भी अप्लाई कर लिया। यहाँ पे लग के भी अच्छा लगता है। तो हाइलाइटर भी हो चुका है डन। अभी हम कर लेंगे नोज कंटूरिंग। तो नोज कंटूरिंग करने के लिए हम नोज के जो दोनों साइड हैं उन पे एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। ब्रश यूज़ करना है, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिंगर से काफ़ी इजी पड़ जाता है इसको ड्रॉ करना। नोज की टिप पे भी हम थोड़ा सा लगाएंगे। और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको भी डैप डैप करके ही हम ब्लेंड करेंगे। ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं वैसे। बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं कर लेना है नहीं तो नोज़ जो है वो अलग ही दिखने लगेगी। तो ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके बाद जो सेंटर में है उस पर हम ये थोड़ा सा फाउंडेशन वी कैन अप्लाई। अगर नहीं है दूसरी चीज़ तो आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करके अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो जो वो 3-in-1 कॉन्टोरिंग पैलेट आती है तो उसमें से आप जो लाइटर शेड होती है उसको यूज़ कर लेना। तो ये हो चुका है और इसके बाद हम लगा लेंगे लिपस्टिक। तो ये हो चुका है डन।
अभी फाइनली हम मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे। ये मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू बड़ी शानदार है, तो इसको हम थोड़ा सा सेटल होने देंगे। फाइनली हो चुका है कंप्लीट हमारा मेकअप। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो काजल लगा लीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कंबाइन करके एक लुक क्रिएट करा है, और हेयर स्टाइल जो है मैंने नॉर्मली ट्विस्ट करके, जो पीछे बालों को हम पिनअप कर लेते हैं वो किया है, और ये एक फ्लावर मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने अपने बालों में लगा लिया है। और ओवरऑल लुक जो मेरा हेयर्स का था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके बाद ईयरिंग्स अपनी मर्ज़ी के, जो मैचिंग ईयरिंग्स है वो आप पहन लीजिएगा। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे। और ये ईयरिंग्स भी मुझे एक कोलैबोरेशन में मिले थे, वही मैं पहन रही हूँ। तो ये है फाइनल लुक, जो कि काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था होली के हिसाब से। थोड़ा सा कलरफुल, थोड़े से ब्राइट कलर्स, और दुपट्टा अगेन आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी सेट। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हों, तो आई होप आपको ये जो मेकअप व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और होली के लिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया अपने लुक को क्रिएट करने के लिए मिल गया होगा। और आप भी होली के लिए अच्छे से रेडी होंगी, अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करेंगी, अच्छे अच्छे से पोस्ट करेंगी, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट भी कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और थोड़ी सी अपनी नींद भी पूरी कर लीजिए। इस व्लॉग के चक्कर में मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, और पता नहीं। ओके, बाय बाय।